डीएसएम ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की सेम टॉपिक हम रन करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। वी विल सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मीनिंग। प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर और प्रेजेंट टेंस के ही अंदर आता है इंडिफिनिट। और प्रेजेंट टेंस में इंडिफिनिट जो आता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें इज एम आर बी का यूज भी क्या किया जाता है, हम लोग करते हैं। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं और रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ वर्ड से डायरेक्ट रिलेटेड सेंटेंस बनते हैं, जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर लगा लीजिए और इसमें लगा दीजिए आप एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ, और इसके साथ लगाइए बी फोर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर पॉइंट ऑफ प्लस बी फोर। एग्जाम्पल में यहाँ पॉइंट ऑफ का रियल मीनिंग होता है, पॉइंट ऑफ का ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मीनिंग होता है, इसका हिंदी में इसको बोलते हैं शौकीन। ठीक है, शौकीन होता है। अब एग्जाम्पल में आ गया कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। सेंटेंस ऐसा होगा तो बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, देखिए रूल से हट के कुछ भी अलग नहीं करते हैं। अब रूल से हट के कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं है, रूल्स जैसे लिखे जाते हैं वैसा आप लिखेगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं। अब वी फोर के जगह से वी फोर के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हर वर्ड्स लिख। देखिए ऐसा हर बार सेंटेंस में नहीं होता। देखिए यहाँ पे देखिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लिखे अगर ज़्यादा आप थोड़ा सा जानते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब आते हैं सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस में जैसे उसे उसे पढ़ने का शौक है, उसे पढ़ने का शौक है, तो ये सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ पढ़ना रीड। और वी फोर को लगाना है रेडी। अब इसमें देखिए यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर जोड़ना होता तो लिख देता अगर उसे किताब पढ़ने का शौकीन है, वह किताब पढ़ने का शौकीन है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है। चलिए नोट इट आउट देखिए आप लोग। अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनेट एड्रेस रूल्स। आगे रूल नंबर इसमें देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में देखिए क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट डबल वर्ब का जब कम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, याद रखिएगा जब भी डबल वर्ब किसी प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं तो एक ही वर्ब जो होगा जो मेन फॉर्म में होगा। जैसे भी आप क्या करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में वी1 या वी5 लगाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप क्या करते हैं वी1 या वी5 लगाते हैं। तो इसमें अगर डबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब हो, दो वर्ब एक साथ आए तो इसमें एक ही ऐसा वर्ब होगा जो मेन फॉर्म में हो, दूसरा वर्ब हमेशा वी4 में आएगा। समझ रहे जो बोल रहे हैं, एक वर्ब हमेशा वी1 या वी5 में होगा क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट का आंसर, लेकिन दूसरा वर्ब जो होगा वो हमेशा वी4 फॉर्म में टर्न करेगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ से रूल्स देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें इसके बाद लगाना है नो या नोच, और इसके बाद डायरेक्ट लगाना है बी। अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑब्जेक्ट को, अब यहां पे आप देख लीजिए यहां नो या नोच,
ये V1 या V5 यूटिलाइज होता है परसेंट डिग्री में, लेकिन दूसरा वर्ब अगर आएगा तो वो हमेशा परसेंट डिग्री में अधिकांश टाइम 90% स्पेसेस इट्स कम ऑन द फॉर्म ऑफ V4, या हमेशा किस में आता है V4 फॉर्म में आता है। अब एग्जांपल में यहां देखिएगा तो कहता है मैं पढ़ना जानता हूं, ये होता है आई नो और V4 लगाना है आई नो। तो यहां देखिए पहला फॉर्म कौन सा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, जबकि दूसरा फॉर्म हमेशा किस में आएगा V4 फॉर्म में आएगा। अब दूसरा सेंटेंस यहां देखिए, वो तैरना जानती है या जानता है, तो लिखेंगे सी नोज स्विमिंग। देखिए ऐसा हर बार नहीं होता है कि एक ही रूल इसका फॉर्मेशन होता है, बहुत बार इस रूल्स को दूसरे ढंग से आपको देखने को मिल सकता है, दूसरा फॉर्म देख लें इसमें क्या होता है। अब इसमें इसी रूल का दूसरा फॉर्मेट देखें क्या हो सकता है, दूसरा रूल्स फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस किसी दूसरे रूल्स पर बना देंगे तो बोलेंगे कि सर आपने बताया ही नहीं था कि ये भी कोई फॉर्मेट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसका अगर रूल नंबर 1 है तो रूल नंबर 2 यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट इसका देख लें, एकदम सेम सेंटेंस सेम बनेंगे, बस रूल बदल जाएंगे और इसमें लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस यही सेम रूल रहेगा नो या नोज लगाएंगे और इसमें V4 लगाए हैं, इस जगह पे आप लिखेंगे हाउ टू प्लस V1 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस जो आपने बनाया है आई नो ऑलरेडी, इसको दूसरे ढंग से बना सकते हैं आई नो हाउ टू रीड, इस दूसरे सेंटेंस को आप बना सकते हैं सी नोज हाउ टू स्विम। तो अलग अलग बुक्स में और अलग अलग सेंटेंसों का फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है, कभी टेंशन नहीं लेना है कि ये फॉर्मेट होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रूल्स आप नहीं जानते इसका मतलब वो है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको नहीं जानते हो और वो रूल्स होता हो। ठीक है, यू कैन नोट इट आउट, आप इसको लिख लें आगे टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल में सेम फॉर्मेट होगा, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें लिखेंगे आज रिसेंबल, रिसेंबल लिखेंगे या रिसेंबल्स लिखेंगे, आप कृपया इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, मैंने लिख दिया है इसका मतलब नहीं कि आप भी कैपिटल में लिखे, आप क्या किस में लिखेंगे स्मॉल सब्जेक्ट पर रिसेंबल या रिसेंबल्स, इसके बाद टू लिखेंगे अगर नाउन कोई भी आता है तो इसमें लास्ट में। तो यहाँ रिसेंबल का यूज किसके साथ करना है, तो रिसेंबल का यूज करना है आई वी दे यू के साथ और रिसेंबल का यूज करना है ही सी ई ने के साथ। रिसेंबल का सही मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है मिलता जुलता, रिसेंबल का सही मीनिंग होता है मिलता जुलता, ठीक है ना। अब मिलता जुलता के सेंस में मिलता जुलता और बिल्कुल एक जैसा दिखना इन दोनों में आता। अब कोई कोई बोलता है कि तुम एकदम अपनी माँ की तरह दिखती, तो माँ की तरह दिखना इसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से मिलता है इसका मीनिंग अलग होता है। इन दोनों में आता तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से मिलता है ये अलग है, और तुम एकदम अपनी माँ की तरह दिखती हो ये अलग है।
मिलता जुलता का मतलब हुआ कि नाक आँख कान मिले, ठीक है ना, और दिखना का मतलब एकदम आप जीरोक्स पहुंच, ठीक है ना। तो दोनों में अलग अलग वर्ड्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी वर्ड का इस्तेमाल आप करेंगे, ये गलत है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से मिलता है, तो क्या लिखेंगे, पारा तुम्हारा चेहरा है तो लिखेंगे योर फेस, योर फेस रिसेम्बल्स योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ऐसा कहीं भी मिल जाए योर हाउस, तो वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर लगा, वर्ब क्या लगाते हैं हमेशा सिंगुलर, और देखिएगा वर्ब में जब एस ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और एस ई एस नहीं जोड़ते हैं तो प्लुरल रहता है, इसीलिए आई वी दे यू के साथ हम भीमन लिखते हैं और ही सी इट नेम के साथ क्या लिखते हैं ही फाइव लिखते हैं, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर होता है, आई वी दे यू प्लुरल होता है। तो आप पढ़ेंगे आगे जब टॉपिक कोई पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन में स्टार्ट करें तो उसमें एक चैप्टर आता है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये क्लियर करता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल। वहाँ पे सारी जो गेम प्लानिंग चलती है, वहाँ पे सारे जो सेगमेंट चलते हैं, उस चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट कराता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, समझौता कराता है किसके किसके बीच, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, कि अगर देखो भाई अगर एक है तो एक लौता, मतलब आप सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब लें, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत बार सब्जेक्ट इतना कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि पहचान में नहीं आता है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो जब बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको इंग्लिश ग्रामर में जिनको देखने पर लगता है कि ये सिंगुलर है लेकिन वास्तविकता में प्लुरल होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो देखने में प्लुरल लगने लगे काम उसका सिंगुलर दिख रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मछली है, मछली सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है, उसका नाम प्लुरल हो रहा है वो सिंगुलर हो, मछली सिंगुलर है। देखिए सिंगुलर प्लुरल का कॉम्बिनेशन, अगर मछली जिंदा है और खड़ी है, जिंदा छोड़ी, अगर सिर्फ मछली खड़ी है एकदम सिंगल पीस, चाहे एक हो या पांच हो उससे कोई मतलब नहीं, तो हमेशा सिंगल होगा, लेकिन जब काट के आप उसको डिश बनाएं तब वो प्लुरल होता है, तब कहते हैं आई हैव ईटन टू पीसेज ऑफ फिश, तब वहाँ क्या बोलते हैं आई हैव ईटन टू पीसेज ऑफ फिश, मैंने मछली का दो हिस्सा खाया, लेकिन ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं देयर आर फाइव फिश इन द पॉन्ड, फिशेज नहीं, देयर आर फाइव फिश इन द पॉन्ड, चाहे वो पांच ही है, पांच आपको जानते हैं ना, पांच प्लुरल होता है, लेकिन वहां फिशेज नहीं लिखते हैं फिशिंग लिखते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है। वहां पे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं तब वहां पता चलता है कि किसके साथ क्या कंडीशन, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे तुम्हारा चेहरा होगा, तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारे पापा होंगे, ऐसा कुछ भी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तो वर्ब हमेशा क्या लगेगा सिंगुलर, तो योर फेस रिसेम्बल्स टू योर, आजकल तो पापा लोग बोलते नहीं है डैड बोलते हैं, तो डैड ही। चलिए राइट इट नोट इट, नेक्स्ट रूल देख ले, नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में आप करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे लुक लाइक या लुक्स लाइक,
और यहां पे नाम लिख, ठीक है। लुक लाइक का यूज कहां करेंगे? लुक लाइक का यूज बिल्कुल सेम आई वी दे यू के साथ करेंगे। लुक्स का लाइक का यूज करेंगे ही सी इट ने। अब इसमें एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल में कैसा सेंटेंस होगा। तो मैंने बोला था तुम अपनी माँ की तरह माँ की तरह दिखती हो। अगर इस सेंस में एकदम माँ की तरह दिखना होगा तो लुक्स लाइक या लुक लाइक का यूज करेंगे। जबकि जेन्युइन तौर पे अगर मिलता जुलता होगा तो वहाँ क्या यूज करना है? रिसेंबल से। सेंटेंस मायने रखता है कि वर्ड का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं। सेंटेंस मायने रखता है कि वर्ड का फॉर्मेशन आपका कैसा। ऐसा नहीं है कि रिसेंबल के जगह लुक्स लाइक और लुक्स लाइक के जगह रिसेंबल आप यूज करेंगे। जब भी यूज करेंगे लुक्स लाइक का यूज एकदम दिखने के समान में और रिसेंबल का यूज मिलते जुलते के सेंस में। तुम अपने माँ की तरह है। योर मदर यू लुक लाइक, यू लुक लाइक योर मदर। ठीक है। वह वो अपने पिता की तरह देखता है। ये होगा कि लुक्स लाइक हिज फादर। देखिए सारा ये हिज और योर जो लगा है ये डिपेंड करता है यहाँ पर। अगर यहाँ पे सी रहता तो हर लगता, यू है तो योर लगा, आई रहता तो क्या लगता? माई लगता, ठीक है ना। आई रहता तो माई, यू रहेगा तो योर, सी रहेगा तो हर, ही रहेगा हिज, वी रहेगा तो अस लगा सकते हैं, आवर लगा सकते हैं, दे रहता है तो देम लगता है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन हमेशा बरकरार रखिए, या दे रहता तो देयर भी लगता है, तो ये कॉम्बिनेशन बना कर रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी चीज का यूज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।